अस्सलाम वालेकुम। तो बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सबके सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, खुशबाश होंगे। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बैनर कैसे बनाते हैं। सही हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास मैं आपको PSD प्रोवाइड कर दूंगा, बैनर का साइज वगैरह, ठीक है, वो वाली PSD, ठीक हो गया। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, अपना थीम जो है ना वो सेट कर लेना है कि मैंने क्या बनाना है, ठीक है। अब मेरे पास क्या थीम है कि मेरा है एक व्लॉग और गेमिंग का थीम, ठीक हो गया। एक साइड पे मैंने गेमिंग थीम शो करवाना है, दूसरी साइड पे मैंने व्लॉगिंग थीम शो करवाना है, ठीक है। दरमियान में कोई पिक्चर या एक्सेट्रा वगैरह वगैरह कुछ भी लगा सकता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, और इधर जो है वो मैंने नेम वगैरह करना है, ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले हम करेंगे अपना बैकग्राउंड जो हमारा होगा, ठीक है। अच्छा, मैंने सबसे पहले गेमिंग का बैकग्राउंड रखना है, ठीक है, उसके लिए मैं देखता हूँ, ठीक है। तो मेरा जो कलर है, मैंने सिलेक्टिव कलर वो ये है मेरा, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, ये मेरा बैकग्राउंड आ गया, ये सोर्सेज, ठीक हो गया। अच्छा, इसको क्या करेंगे, स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लेना है, ठीक है। Ctrl U करके सेचुरेशन बिल्कुल कर देनी है, ठीक है, लो। अच्छा, ये अब हमारा है कि अब कितना बनता है आपका, ये मिड ऑलमोस्ट बन ही जाता है शायद, आई थिंक सही है। इसको कर देना हमने नॉर्मल से ओवरले, ठीक हो गया। और फिल को हमने कर देना है अपने हिसाब से, जितना मर्ज कर लो, 40, ठीक है, आई थिंक, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़ अब हमने क्या करनी है कि अपना जो दूसरा बैकग्राउंड है उसे लाना है, ठीक है। ये बैकग्राउंड, इसके ऊपर मैंने जस्ट ये फोक टाइप ऐड की है, ठीक है, अपनी मर्जी है आपकी, कोई आप जैसे मर्जी कर लो, ठीक हो गया। अच्छा, ये हो हमारा बैकग्राउंड, ठीक हो गया। अच्छा, तो एक साइड पे ये बैकग्राउंड लग गया, लगाना पड़ेगा, ये देखो। ठीक हो गया, ये चीज़ ठीक हो गई। अच्छा, अब देखो, अब हमारी आएगी मिड में पिक्चर, ठीक हो गया। मतलब पहले सारी चीज़ें एडजस्ट जो हैं उनको कर लेते हैं, बाद में हम फोकस करेंगे अपनी बाकी चीज़ों की तरफ, ठीक हो गया। अच्छा, इसको पहले तो हम कर लेते हैं ऐसे। अच्छा, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ठीक हो गया, आई थिंक इधर ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि ये हमारा जो था थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, ये इधर परफेक्ट लग रहा है, ठीक हो गया। ये गेमिंग थीम और ये दूसरा थीम, ठीक हो गया। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, ये चीज़ इसकी थोड़ी सी हम लाइट शेड मारेंगे, ठीक हो गया, ताकि अच्छा लगे थोड़ा, सही हो गया। और इधर भी हम ये सीन करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, मेन चीज़ हमारी जो थी टेक्स्ट, मेन हमने फोकस करना है टेक्स्ट के ऊपर, ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारा टेक्स्ट है, बिलाल व्लॉग्स, सही हो गया। और इसके हम ऊपर फ़ॉन्ट देंगे ट्रू लाइज, काफ़ी नाम सुना होगा आप लोगों ने, सही हो गया। ये हमारे पास आ गया ट्रू लाइज, सही हो गया, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, इसके ऊपर हम करेंगे ऐड कोई भी ग्रेडियंट वगैरह वगैरह वगैरह, सही हो गया। अच्छा, तो बॉयज एंड गर्ल्स, अच्छा ग्रेडियंट और शेडो हमने दे दिया है, सही हो गया। अच्छा, ये चीज़ भी अच्छी लग रही है, ठीक हो गया। अभी हम नीचे क्या करेंगे, ये है गेमिंग भी साथ, ठीक है, उधर गेमिंग लिखना है, उस बंदे की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो हमारा काम है कि अगले बंदे की रिक्वायरमेंट के ऊपर चलना, ठीक हो गया। मतलब अपने हिसाब से कुछ भी करो, ठीक है। और ये इधर ऐसे मैंने एक बॉर्डर सा टाइप बनाना है, ठीक हो गया, ये ऐसे, सही हो गया। अच्छा, इसके ऊपर भी हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा इसको आई थिंक ऑरेंज ऑरेंजिश में कर देता हूँ, ताकि एक इनके डिफरेंट लुक दे, ठीक हो गया, ये ठीक है। अच्छा, ये भी ओके। अच्छा, तो हमारा ये तो हो गया कंप्लीट, ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा अब इसके अंदर हमने करना है ऐड गेमिंग, वो भी इसी फॉर्मेट में करेंगे, जैसा भी लगता है अपनी मर्जी, वैसे तो ठीक है, मतलब मर्जी अपनी है, जो मर्जी हो जाए, ठीक हो गया। अच्छा, ये हो गया, सही हो गया, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ये इधर ठीक है। अच्छा, गेमिंग ये इधर आई थिंक वाइट सूटेबल नहीं है, तो हम ब्लैक करके देखते हैं, ये ब्लैक अच्छा लग रहा है, सही हो गया।
तो मेरे ख्याल से फ़ॉन्ट काफ़ी बेकार सा लग रहा है। ठीक हो गया। ये आई थिंक गुड वन। ठीक हो गया। इसको कर लेंगे हम वाइट, और साथ इसको दे देंगे ड्रॉप शेड हो ताकि सही से क्लियर नजर आए। अच्छा ये हो गया हमारा। अच्छा अब हम क्या करेंगे, ये साइडों पे ना, लाइक हम क्या करेंगे, ये साइडें डार्क आए। ठीक है, तो डार्क के लिए आप लोगों को पहले भी मैंने बताया कि इधर के जो आपका कलर है, ठीक है, उसकी डार्क साइड लेके, हमारा ये कलर है ठीक है, इसकी डार्क साइड लेके उसको कर देना है मल्टीप्लाई एंड देन बूम, मतलब बूम रिवर्स गई है ना अभी। ये देखो अभी ये साइड जो है ना, ये काफी ज्यादा डार्क हो गई है क्योंकि वो उसका थीम और उसके हिसाब से सही हो गया। मतलब अब ठीक है, अब ठीक है, सही हो गया। अब सी ओके ओके ओके। अच्छा अब हमें उसकी क्या रिक्वायरमेंट थी कि भाई एक वो क्या उसका नाम है, हाँ उसकी रिक्वायरमेंट थी कि एक ये भी ऐड करो, लाइक एक करेक्टर जो है उसको ऐड करो साइड पे। सही हो गया। लाइक ये चीज़ ऐसे ठीक हो गया। इसको अपने हिसाब से सेट करके लगा दो। लाइक ये चीज़ आएगी उसमें, आएगी टैब और उसके व्यू में आएगी। आई थिंक क्या उसका नाम है, सही हो गया। अच्छा हाँ ये इधर अच्छी लग रही है, सही है। तो अगर हम इसको इधर रख के देखें, लेकिन इधर ही ठीक है क्योंकि वो हमारा व्यू है, खराब हो जाना है। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद हम क्या करेंगे कि लाइक तो इसे हम इसको हम करेंगे स्क्रीन। ओके हो गया। अच्छा स्क्रीन करने के बाद आई थिंक इसको हम करेंगे इसके थीम के हिसाब से। अच्छा ये इसके पिक्सल जो हैं वो उनका इशू आ रहा है। ठीक हो गया, वो भी सेट हो जाएगा। अभी बताता हूँ, ये देखो मेरा। ये देखो अब ठीक है, सही हो गया। और इसको हम थोड़ा ब्लेंड कर देते हैं इसके अंदर, है नाइस। अब ठीक है। आगे हम क्या करेंगे, मर्ज लेयर्स करेंगे कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ए के साथ। ठीक हो गया। एंड देन कंट्रोल शिफ्ट ए के साथ हम कैमरा रो ऐड करेंगे। ठीक हो गया। इसके अंदर हम अपने हिसाब से बेसिक सेटिंग कर लेते हैं। ठीक हो गया, लाइक कलर्स करेक्शन वगैरह वगैरह एक्सेट्रा। अब ये देखो चीज़ ठीक हो गया। अब ये बन गया है, सही हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक न्यू बनाएंगे लेयर, उसके ऊपर जो हमारा साइज है यूट्यूब का वो रखेंगे और इसको अंदर कर देंगे हम पेस्ट। इसके हम बनाएंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। ये बना लिया। ठीक हो गया। या वो मैं आपको साइज दे दूंगा। ठीक हो गया, आप उसी में कर लेना मैनेज। ये हमारा हो गया साइज, ये देखो ठीक हो गया। तो ओके गाइज, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, अगर तो आप लोगों ने कहीं भी कुछ भी सीखा है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो
और वीडियो को शेयर करना मत भूलना, और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करना कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक जो है वो मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ। ठीक हो गया? ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़, सी यू लेटर, बाय बाय।